ये देखिए वायरल चाय बन रहा है, चाय रोस्ट करके चाय और चीनी को। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। इसमें अपने अकॉर्डिंग चीनी और चाय पत्ती डालें और इसको पहले भून लिया जाता है मीडियम फ्लेम पे, और इस तरह घुमाते रहें ताकि एक जगह ना रहे। तो एक जगह रहने से जल जाएगा, इस वजह से इसको हिलाते रहते हैं लगातार में। ये देखिए चीनी और पत्ती दोनों है, जो जितना मीठा पिएंगे उतना चीनी डालेंगे। नॉर्मल कप में जितना डालते हैं उसी अकॉर्डिंग डाला जाता है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही डलता है। खोलने देंगे, फिर इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। आधा गिलास और डालने के बाद ये डालेंगे हम लोगों का। ये 5 कप चाय के लिए बन रहा है, चाय बन रहा है। इस अकॉर्डिंग चीनी और पत्ती डाला हुआ है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। जैसे नॉर्मल चाय बनाते हैं वही चाय बनता है, पर इसका प्रोसेस चाय पत्ती और चीनी को पहले किया जाता है प्रोसेस। इसको खोलने दे रहे हैं, इसमें और रिजल्ट लेगा। अब और पानी डाल दिया, इसके बाद ये खोलेगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ये खोलने देंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस इसमें होगा। कोई फायदा छे नहीं। अभी खोल रहा है, इसमें इसी टाइम पर दूध डाल देंगे। इसमें हाफ दूध और आधा पानी लिए हैं, हाफ हाफ करके दोनों चीज लिए हैं। काफ़ी टेस्टी ये चाय होता है, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और बना करके पीजिएगा। कमेंट जरूर करना कि कैसा बना। ये अब खोलने वाला ही है, इसके बाद इसको खोलने देंगे। इसमें बार बार मैं बोल रही हूँ चीनी पत्ती सब नॉर्मल चाय के ही तरह डलेगा, पर प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है इसका। ये 2 से 3 मिनट खोलने देंगे, ये हो गया है टाइम पूरा। अब इसको आप अपना चाय छान करके कंप्लीट कर सकते हैं। गया तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, काफी टेस्टी बनता है। ये प्रोसेस थोड़ा अलग है, बाकी वही सामान से बनता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।